So hey guys, welcome back to another video guys. It's me Monte Carlo here guys. तो guys आज मैं आप लोगों के सामने क्या दिखाना चाहता हूँ आप लोग भी देख ही सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे एक आईडी देख रहे हो, तो गाइज ये है अपन लोग का सेकेंड आईडी गाइज। तो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा मेरा जो सेकेंड आईडी है गाइज, तो मैं इसका आज आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ गन कलेक्शन गाइज, ठीक है। तो बाकी चीजें तो अभी दिखाएंगे नहीं, फिलहाल हम दिखाएंगे आप लोग को गन कलेक्शन, ठीक है गाइस। तो चलो गाइस, आप लोग का टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए आप लोग को ले जाते हैं अपनी गन कलेक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले तो हमें गाइस ग्रुप में जाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग देख सकते हो बहुत ज्यादा मतलब लाइक रिक्वेस्ट आती रहेगी, तो फिर उस तरह से थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं अपनी आर्मरी पे, ठीक है। तो फर्स्ट गन यहाँ पे आता है गाइस M4A1। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि तुम्हारे भाई के पास M4A1 जो है परमानेंट है। तो गाइस इस M4A1 की बात करें तो गाइस सबसे पहले तो मुझे लाइक इसका जो कलर है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तभी मैं मतलब लाइक मैंने इस वाली को चूज़ किया, नहीं तो आप देख सकते हो कि सेम एबिलिटी का गन स्किन जो है ऑलरेडी मतलब लाइक मेरा दूसरी आईडी पे निकला हुआ है। बट मैं जो खेलने के लिए मतलब लाइक बोलते हैं ना कि एक पर्सनली पसंद रहता है कि आप क्या सजेशन करते हो किसी इंसान को, तो लाइक मेरे लिए मैं बोलूँगा आप लोगों को कि ठीक है ये जो गन का स्किन है भाई ओपी लेवल का है। और गाइस इस गन की मैं कुछ आप लोग को बातें बताना चाहूँगा, जो ये गन है M4A1, तो गाइस ये मिड रेंज में गाइस बहुत ही ज़्यादा ओपी मारती है गाइस। और इसके ड्रैग जो है मिड रेंज पे मतलब लाइक बोले ना कि आप लोग मतलब लाइक मिस नहीं कर सकते हो ये चीज़, ठीक है। मतलब एक बार मतलब ड्रैग पकड़ लिया तो खत्म, स्टोरी खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो देख सकते हो, ये तो थीम गन है, ये भी थीम गन है, ये भी थीम गन है, और ये वाला तो रैंक टोकन से मिलता था ये वाला, ठीक है। तो यही है हमारे पास। ओके अब आ जाते हैं अपने सेकेंड गन के ऊपर जो कि यहाँ पे है AK-47 गाइस। तो आप लोग देख सकते हो फर्स्ट वाला आईडी पे तो ड्रैको मैक्स है, बट सेकेंड आईडी पे ये लेवल 5 का है, ठीक है। बट यार क्या होता है ना कि यार ये काफ़ी ज़्यादा महंगा चीज़ है भाई, मतलब बोले तो आप लोग कुछ होता है ना एक वीडियोस देखते हो आप लोग कि लाइक कोई किडनी बेच के आईफोन ले रहा है, कोई किडनी बेच के कुछ ले रहा है, तो लाइक गाइस ये भी मतलब बोले तो एकदम सेम ही चीज़ है कि आप किडनी बेच के कि मतलब जो भी ये इवो गन्स आ रहे हैं उन्हें अपग्रेड करना है गाइस। तो हमसे जितना हो पाता था हमने किया, बाकी मैंने छोड़ दिया ये चीज़। और सेकेंड ड्रैगन है गाइस, सो जब ये स्टार्टिंग में आया था तो गाइस क्या ही बोले यार, इस गन को निकालने के लिए ना भाई बहुत बहुत मेहनत लगा, तब जाके ये परमानेंट निकला है भाई, क्या ही। और ये वाला विंटरलैंड है गाइस, तो बाकी वाला एक है तो ऐसा ही है नॉर्मल जैसा, बट ये जो है और ये जो है लाइक इसमें जो जब आप इस गन को मैक्स कर लोगे तो लाइक क्या रहता है कि ये जब पीठ मतलब आपके बैक के मतलब आप जब इसे उठा लेते हो तो उसके बाद ये आपके पीठ के ऊपर ही बोल सकते हैं, तो आपके पीठ के ऊपर लटका होता है, तो ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा वजन है मेरी पीठ के ऊपर। बट गाइस मैं अब बोलूँगा तो लाइक मैं अब गन चेंज करके ड्रैगन एके से खेलता हूँ, ठीक है। ओके नेक्स्ट गन है गाइस ये वाला M14, ठीक है। ये वाला डबल रेट ऑफ फायर वाला, ये तो नॉर्मली है सबको, काफ़ी सारे लोगों को मिला हुआ है गाइस, काफ़ी सारे लोगों को मिला हुआ है। तो गाइस अब आ जाते हैं इस गन के ऊपर, भाई इस गन के तो क्या ही कहने। जिस टाइम पे इस पे मतलब न्यू ये आया था तो लाइक उस टाइम पे तो इसमें इतना ज़्यादा पावर था कि मतलब ये भी एक गाइस मैं बोलूँ तो ये लॉन्ग रेंज पे आप मतलब इसे ज़्यादा नहीं चला सकते, ठीक है। लॉन्ग रेंज पे ये काफ़ी कम डैमेज जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग रेंज में ये 9977 इतना ही डैमेज देता है। बट गाइस मिड रेंज में भाई इसका मुकाबला नहीं है, मिड रेंज में कुछ भी बोलो आप नहीं। मतलब कि इसकी परफॉर्मेंस की बात करें ना गाइस, ओपी लेवल परफॉर्मेंस है गाइस। ओके तो आ जाता है इस पे, तो ये गाइस तो जब ये न्यू स्टार्टिंग पे आया होता तो जो एक ग्रीन वाला था तो ये वाला टॉप पे था, ठीक है। तो बट हमने उस टाइम पे इसे कैसे निकाला था, हमने इसे इस बेस पे निकाला था कि लाइक इसमें हमने ये नहीं देखा था कि इसमें क्या एबिलिटी है। इसमें आप देख सकते हो कि डबल डैमेज प्लस एक्यूरेसी है इसमें। बट जब हमने इसे निकाला था हमने इसे निकाला था इसके कलर के बेस पे, क्योंकि उस टाइम पे मुझे इसका कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, ठीक है।
ये वाले का कलर मुझे उस टाइम पे कुछ खास नहीं लगा था, बट इस वाले का मुझे भाई ओपी लेवल, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे क्या एबिलिटी रहती है क्या कुछ, बस ये अच्छा लगा टॉप अप किया और ये निकाल दिया। सही है यार कसम से, अब मतलब ये चीज़ सोचता ना यार क्या ही बोलूँ भाई। ये वाला तो यार, ये वाला मुझे निकला है एयर ड्रॉप पे, परमानेंट दिया मुझे गरीना वालों ने, जो मतलब गन्स किसी काम की नहीं रहती है भाई। भाई इसके लिए तो क्या ही बोले भाई, क्यूपिड क्या ही बोलूँ भाई, इतने ज़्यादा डायमंड इस पे दिए है, मतलब कि काउंट नहीं कर सकते आप उतने डायमंड इस पे दिए हुए, तब जाके ये निकला था, खुशी होता उस दिन ऐसा कि भाई निकल ही गया आखिरकार। ये वाला जो गन अभी तो आप देख सकते हो ठीक है, यहाँ पे आप लोग को ये परमानेंट दिख रहा होगा, बट इससे पहले क्या था, चलो मैं आप लोग को फ्लैशबैक पे लेके जाता हूँ ठीक है। तो जब ये गन आया था तो लाइक इसका कलर आप देख सकते हो भाई, इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ठीक है, तो मुझे इसका मतलब लाइक कलर ही अच्छा लगा, गन मेरे पास पड़ा हुआ है ठीक है, बट मुझे इसका कलर, मेरे पास एक क्यूपिड उस टाइम पे परमानेंट था ठीक है, एक क्यूपिड और ये वाला मेरे पास परमानेंट पड़ा था ठीक है, बट इसका कलर मुझे पसंद आया भाई ठीक है। तो उस दिन मे बी जो ये गन की क्रेट्स के ऊपर डिस्काउंट्स आते हैं ना, ऐसे तो 40 डायमंड का वन करेट होता है, बट जब मैंने इसे निकाला तो ये 20 डायमंड का वन करेट निकल रहा था ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने इसे निकाला। तो गाइज़ मैं बताऊँ आप लोग को ये मुझे कितने दिन के लिए निकला था, तो गाइज़ ये मुझे निकला था 375 दिन के लिए परमानेंट, बोले तो एक साल से ऊपर के लिए परमानेंट निकला था, बट ये गाइज़ परमानेंट नहीं मिला था मुझे, और ये मुझे परमानेंट मिला कि लाइक ये अभी कुछ इवेंट के थ्रू ये मिल रहा था गन, तब जाके मुझे परमानेंट निकला है, बट उससे पहले मुझे ये परमानेंट नहीं मिला था ठीक है। बट जब मैंने ये चीज़ देखा कि गाइज़ यार इसका और इसका ठीक है दोनों का एबिलिटी जो है बिल्कुल सेम है, तो गाइज उस टाइम पे मुझे मतलब कि शॉक लग गया एकदम से, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैंने बोला भाई कहाँ पे दे दिया मैंने अपने डायमंड, पर क्या कर, इसका कलर भी मुझे अच्छा लग रहा था, पर क्या ही बोलूं गाइज, दिल से बुरा लग रहा था भाई। तो गाइज ये है ग्रोजा, आज की डेट में ग्रोजा से बेस्ट जो गन कोई भी नहीं चल रहा है भाई आजकल, इस गन में इतना ज़्यादा पावर है जो कि मतलब चला हुआ है सेशन हमारा ठीक है, बहुत ही तगड़ा भाई, इस पर मतलब कि ओपी लेवल का मतलब कि कुछ ज़्यादा ही पावर दे दिया इस गन पे आजकल, रैग तो मिस ही नहीं होते भाई हर कुछ। और गाइज मैं करता हूँ ये वाला यूज़, डबल रेट ऑफ फायर वाला, आप लोग देख सकते हो ठीक है। तो गाइज अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट गन के ऊपर जो कि है फार्मस ठीक है। तो ये वाला गन स्किन तो भाई जिस टाइम पे नया आया था तो मतलब भागते बंदे को तो ये टाइम नहीं लगा था नॉक करने में, इतना गंदा चलता था, बट अब क्या है कि मैं तो फार्मस अब यूज़ नहीं करता, बट ये जूमिंग जूम आउट के लिए ये गन बहुत ही ज़्यादा फाड़ू था उस टाइम पे, ये बाकी तो ऐसे ही है पड़ा हुआ। ये वाला गाइस ये भी आपको पता है कि फ्री में मिल रहा था, ये वाला डिस्काउंट पे मिल रहा था, ये वाला डायमंड रॉयल पे था, बाकी ये तो ऐसे ही है इधर कुछ, ये भी कुछ खास मैं चलाता नहीं इसको, बाकी आप लोग देख सकते हैं मेरी कलेक्शन में ये वाला पड़ा हुआ है। प्लाज्मा का भी एक स्किन है इस आईडी पे, इसका कोई स्किन नहीं है ठीक है, बाकी इसका ये वाला स्किन मेरे पे पड़ा हुआ है एसकेएस का, कुछ भी ये भी है, तो बहुत सारे मतलब देख सकते हैं आप ठीक है। लाइक अब ये ड्रैगन ऑफ है, ये वाला भी है, इस वाले में क्या एबिलिटी है, मैगजीन प्लस एक्यूरेसी और इस वाले डबल डैमेज प्लस मैगजीन, तो इसको रखते ना यार ठीक है। इस वाले का भी कुछ खास आया नहीं है बाकी इस वाले पे। वैसे तो गाइज मैं उन लोग को ये बताना चाहूँगा कि ठीक है लाइक जिन जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास गन स्किन नहीं है तो मैं मतलब लाइक सामने वाला बहुत बंदा बहुत मार है, तो भाई ये वाला गन यूज़ करना है आप लोगों ने ठीक है। इसमें क्या है कि भी मेरे पास एबिलिटी वाला तो नहीं है, मे बी एबिलिटी वाला तो इसका शायद से आया हुआ है, इसको चलाओ भाई ओपी मारती है ड्रैग दूर से, और गाइज ग्लू वॉल इतनी तेज़ी से तोड़ता है ना ये गन मत पूछो भाई। और ये आप देख सकते हो कि M60 का स्किन भी पड़ा हुआ है गाइज ठीक है। तो अब इस पे आ जाते हैं गाइज, तो ये भी पड़ा है देखिए आप UMP का, बट अब तो मैं चलाता नहीं बिकॉज क्यों, क्योंकि इसका जो साउंड है इतना कचरा सा साउंड कर दिया तो मतलब मज़ा ही नहीं आता इसे चलाने का ठीक है, बट जब यूज़ में ये वाला स्किन रखता हूँ उस पे। और गाइज MP5 की बात करूँ तो गाइज जो ये वाला गन आप देख रहे हो अभी ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ड्रैग मारता है गाइज, बहुत अच्छा, इसकी गोली एक बार मतलब हेड पे चिपक गई ना तो मतलब चिपक गई ठीक है। ये वाला तो बेकार है गाइज, रेट ऑफ फायर वाले में कुछ मज़ा नहीं है ठीक है, इसलिए अगर आपने अगर ये यूज़ करना है तो आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा चलता है ये, बाकी VSS तो छोड़ो। तो गाइस अब आ जाते हैं यहाँ पे ठीक है, पोकर यहाँ पे निकला हुआ है तो मैं चलाता हूँ वैसे पोकर ही, ये वाला तो हमसे अपग्रेड हो नहीं पाएगा भाई, हमसे ना हो पाएगा ये, और ये जो स्टार्टिंग पे गन आया था ठीक है, और मैकेनिकल भाई इस पर मैंने काफ़ी डायमंड दिया भाई। ये वाला मुझे सिर्फ एक ही स्पिन मारने पर मतलब एक रेट किया उस पर परमानेंट निकल गया,
बट इस वाले को मैंने बहुत ज़्यादा डायमंड दिया, मुझे याद भी नहीं भाई कितना। ये वाला भी डायमंड रॉयल पे आया था, ये वाला मतलब डायमंड रॉयल क्या गन रॉयल बोल सकते हैं आप, हाँ उस पे आया था। बाकी तो यही है, बाकी ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा होके आ जाता है। बाकी नेक्स्ट शॉट गन के ऊपर, शॉट गन का ये वाला है, ये वाला जब परमानेंट निकला तो गाइस मतलब बोल ही नहीं सकते आप, इतनी खुशी हो रही थी इसको जब मतलब ये परमानेंट निकला था मुझे। इस पे भी आप बोल सकते लिटरली बहुत ज़्यादा डायमंड जो पेस्ट किया हुआ, ये वाला तो मे भी फ्री में मिला हुआ था। बाकी ये वाला भी, ये उसमें गन का जो रॉयल रहता ना वेपन रॉयल उस पर मिलता है ये वाला। बाकी ये तो ऐसे ही स्पार्क चलाना तो कुछ खास मैं चला नहीं पाता इसे। बाकी इसकी बात करें तो भाई ये वाला जो इसका गन स्किन है बहुत ही ओवर पावर है, मज़ा आता है। बट इस जो ये वाला गन है ना इसे हेड मारना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है, आप लोग भी देख सकते हो मेरे हिसाब से। मुझे नहीं पता आप लोग का ओपिनियन इस पर क्या है, बट मेरे हिसाब से इस गन से हेड मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? बिकॉज इस पर देख सकते हो कि आप एक्यूरेसी पावर जो है प्लस है, तो एक्यूरेसी आपको क्या देता है, एक्यूरेसी मतलब लाइक सामने एनिमी रहेगा, आपने एकदम से गन निकाल के उसे मारा तो आप उसका जो आपका गन का गोली है वो बॉडी पे एकदम से चिपक जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं एक्यूरेसी पावर। बट इस गन से क्या रहता है ना, गन से जिसमें एक्यूरेसी होता है प्लस, तो उसमें हेड मारना बहुत मुश्किल सा रहता है। बाकी ये देख सकते सिंगल डैमेज प्लस डबल रीलोड स्पीड है इसमें। सॉरी गाइस थोड़ा गला फंस रहा था। तो वैसे तो स्टार्टिंग जब नया नया आता तो काफ़ी अच्छा मार रही थी, अब तो इसमें बहुत ज़्यादा रिकॉल है, इसका तो कुछ भी नहीं अपने पे। स्नाइपर का आप देख सकते हो ये वाला शायद से टॉप अप के ऊपर था, ये तो फ्री में मिला था, इसको छोड़ो। बाकी ये देख सकते हो आप ये सब पड़ा हुआ है इसका, ये तो अभी बोलते ना यार उसको क्या कहते हैं भाई, रैंक टोकन से मिल रहा है ये वाला। बाकी ये पिस्टल है, माइल्ड है। बाकी ये देख सकते हो पेन, ये वाला टॉप अप पे था, ये वाला मुझे नहीं पता भाई, ये वाला शायद से एलीट पास के अंदर था ये वाला। बाकी ये वाला फ्री में मिल रहा था, ये भी फ्री का है। तो ये है मेरे पास, ये भी है, ये भी है, ये भी है। बाकी आप लोग देख सकते हो गाइस मैं क्या क्या दिखा रहा हूँ, ठीक है। और गाइस एक बात बोलूँ यार, तुम्हारा भाई थोड़ा बोलते टाइम पे थोड़ा शर्माता है, ठीक है, तो लाइक कुछ गलती फलती हो जाता ना तो माफ़ कर देना, ठीक है। ये वाला क्या परमानेंट है क्या, पता नहीं यार ये परमानेंट है या नहीं है, मुझे नहीं पता। वैसे अच्छा लगा मुझे काफ़ी ये। और ये बात इसकी तो गाइस ये वाला टॉप अप पे था और ये वाला प्री ऑर्डर पे था, ठीक है। ये जो रेड वाला ग्लू आया था ना उसके बाद पे आया था ये वाला। बाकी ये कटाना है सही है, क्या करना है, स्किन निकाला काफ़ी होता है, कोई टेंशन की बात नहीं थी। फिस्ट में मेरे पास ये वाला, इस पर तुम्हें ग्रेनेड्स की बात करें तो ये देखो ये ऐसे ऐसे ग्रेनेड्स पड़ी है कैसा, ओ भाई अच्छा ऐसा है क्या। बट मैं वाला ये वाला यूज़ करता हूँ, ये वाला क्या होता है ज़्यादा दूर थ्रो होता है ये वाला। बाकी तो आप देख सकते हो ये भी पहले मैं काफ़ी इसको भी यूज़ करता था, बट अब नहीं करता मैं इसे यूज़ ना, पहले करता था मैं लाइक, ठीक है। बाकी इसका तो कुछ है नहीं अभी फिलहाल, ये देख सकते हो आप। ये वाला तो एक इवेंट के अंदर था, ये फ्री में मिला था, ये स्टार्टिंग पे टॉप अप पे आया था ये वाला स्किन। बाकी अभी फ़िलहाल इसको रख देता हूँ, ये अभी इवेंट में फ्री पे मिला हुआ है। ये वाला भी टॉप अप पे था, ये वाला भी शायद से टॉप अप ही था, ये वाला वो जब सामुराई बंडल रिटर्न आया था ना उस टाइम पे था ये वाला। और ये वाला गाइस देखा देखा सा लग रहा है ये वाला, इसे देखे भाई बोलते हैं ना ये बहुत अरसा हो गया था तुझे देख के आंखें तरस गई थी तुझे देखने को, तस्में यार ये वाला बहुत अच्छा भाई, ये तो सबको मिलता है। बाकी क्या, बाकी तो ऐसे ही लॉन्चर का ये वाला स्किन पड़ा हुआ है गाइस, बाकी कुछ नहीं भाई, ख़त्म सब ख़त्म, टाटा बाय बाय, खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो गाइज आप लोगों ने बताना है कि लाइक आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और मेरी इतनी देर आप लोगों ने, अगर जो भी इस वीडियो को पूरा देख रहा है, जो जिसने भी मेरे इतनी देर से मेरा बकवास सुना, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया भाई, जिसने मेरा मतलब इतना टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख रहा है, ठीक है। तो क्या गाइज फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड सबसे ज़रूरी बात, जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया जाके फॉलो कर दीजिए गाइज, ठीक है। और 15K सब्सक्राइबर नहीं यार फॉलोअर्स, यस फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए इंस्टा के ऊपर, तो आप सभी का धन्यवाद जिसने भी हमें फॉलो किया हुआ है इंस्टा के ऊपर, ठीक है। तो ठीक है गाइस मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।